अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कंटेंट बनाना, यही आपका ब्रेड एंड बटर है। आप दुनिया में आई सारी यूट्यूब ट्रिक्स लगा सकते हो, पर अगर आपका कंटेंट नहीं फोड़ रहा है तो व्यूअर आपके पास नहीं आएगा, या एक बार आ भी जाएगा लेकिन सब्सक्राइबर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अपने कॉन्टेंट को सबसे बेस्ट, सबसे एडिक्टिव बनाने के लिए क्या करें? अच्छा, अगर हम देखें कि फास्ट फूड इतना एडिक्टिव क्यों है कि हमें बार बार उसे खाने का मन करता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने एकदम सही कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट बड्स को एक्टिव करना सीख लिया है, जिससे जब भी हम उसको खाए हमें बस खुश हो जाते हैं। ये जस्ट द राइट प्रिंसिपल ही हमें अपनी वीडियो में लगाना है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल, जो बोलता है कि हमें कंटेंट को उस स्वीट स्पॉट में रखना है जहां वो ऑडियंस के लिए ज्यादा डिफिकल्ट भी ना हो और ऐसे भी ना हो कि कुछ नया ही ना हो, मजा भी आए, कुछ नया सीखने को भी मिले और ओवरवेलमिंग भी ना लगे। जी हाँ, बैलेंस ही आपको ढूंढना है, पर कैसे कैसे कैसे? सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप आपकी ऑडियंस को परखे, उसे रिसर्च करो, क्योंकि हमें ऑडियंस को वो देना है जो वो चाहते हैं, ना कि जो हम चाहते हैं। हमारी मम्मी हमें कैसे घिया तोरी जैसे सब्जियां वेजिटेबल सैंडविच के नाम पे खिला देती है? कैसे? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें वेजिटेबल सैंडविच पसंद है पर तोरी और घिया की सब्जी नहीं। आपको भी यही करना है। वो सारे सोर्सेज जहां से पता चलता है कि हमारी ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है, वो क्या देखना चाहेंगे और क्या देखना पसंद करेंगे, हमें उसे तलाशना है। जैसे मैं पर्सनली हमेशा अपनी वीडियोस पर आए कमेंट्स पढ़ती हूँ, अपने सोशल मीडिया के मैसेजेस को भी मॉनिटर करती हूँ, ये जानने के लिए कि मेरी ऑडियंस के क्या डाउट्स है, क्या कंसर्न्स है। मैं ये भी देखती हूँ कि मेरी ऑडियंस कौन से चैनल को फॉलो करती है, इससे मुझे ये पता चलता है कि उनके रिलेटेड इंटरेस्ट एरियाज क्या है। थिंक अबाउट इट। अब आप अपने फील्ड के हिसाब से ऐसे ग्रुप्स या कम्युनिटीज को भी फॉलो कर सकते हो जो जहां आपकी ऑडियंस को नेचुरली जानते हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर टेक वीडियोस बनाते हैं तो रेडिट या कोरा के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट क्वेश्चंस या कंपैरिजन से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। दूसरी बात, एक बार आप अपनी ऑडियंस को ऐसे एनालाइज कीजिए जिससे कि उन्हें आप अपना बेस्ट फ्रेंड समझ रहे हो, तो समझो आपकी निकल पड़ी। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने कैसा बेस्ट फ्रेंड बनाना है, सिर्फ ये मेक श्योर कीजिए कि वो इजी टू अंडरस्टैंड फैक्टर जैसे आप आपके बेस्ट फ्रेंड को समझा रहे हो वो मेक श्योर हो जाए, या जैसे आप आपके बेस्ट फ्रेंड को एक जोक मारते हो और वो रिलेटेबल बन जाता है, वो वैसा बन जाए। चाहे आप जितना भी उनका मनपसंद का टॉपिक पे बात कर लो, लेकिन अगर आप कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज का यूज करोगे तो वो आपके ऑडियंस को पकड़े नहीं रहेगा। सो कीप इट सिंपल, जैसे आप आपके बेस्ट फ्रेंड को समझा रहे हो वैसे समझाओ, क्योंकि आपके बाकी फ्रेंड से ज्यादा सिर्फ आपका बेस्ट फ्रेंड आपको समझ सकता है। और अगर आपने आपकी ऑडियंस को बेस्ट फ्रेंड बना दिया विदाउट एक्सप्लेनिंग देम एनीथिंग इन अ प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज, देन ट्रस्ट मी, आपकी तो यूट्यूब पे निकल पड़ी। तीसरा, अब मैंने ये वीडियो बनाया है तो इसके टाइटल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आपको ये 5 टिप मिलने वाले, और टिप्स को मैं एक्स्ट्रा हाईलाइट करके बता भी रही हूँ, मतलब ये है कि आपके लिए मैं आसान कर रही हूँ। तो समझिए, इस वीडियो से आपको ये याद रखना है कि आपके माइंड में जो भी आपको टाइटल या टेक अवेज देना है उसे इम्प्लीमेंट जरूर करें, और जो भी टेक अवे आपको देना है उसे अच्छे से स्ट्रक्चर करके आपके ऑडियंस को बताइए कि आप इस वीडियो से क्या टेक अवे लेने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको 5 टिप्स का वादा किया है तो मैं आपको 1, 2, 3, 4 करके इन 5 टिप्स को आसानी से समझाऊंगी, प्लस उन्हें हाईलाइट भी करूंगी। और अगर मुझे और डिटेल में समझाना है तो मैं इन सबको डिवाइड कर सकती हूँ सब टॉपिक्स में। अब ये सब आप पे डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि यूट्यूबर्स जो गलती करते हैं, दैट इज कॉल टू एक्शन का बैलेंस, वो आप ना करें। जैसे कि वो कभी कभी अपने सारे कॉल टू एक्शंस एक साथ बोल देते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छे से डिवाइड करो, ना कि लाइक भी करो, कमेंट भी करो, सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन भी दबाओ, मेरी वेबसाइट पर भी जाओ, फिर मेरे वेबसाइट पर जाके जो वीडियो है वो भी देखो, डोनेट भी करो, ये भी करो, अरे थोड़ा थम जाओ, आपकी ऑडियंस को थोड़ा ब्रेक दो।
एक नॉर्मल इंसान वीडियो देखते टाइम एक टाइम पे एक ही चीज कर सकता है, तो अगर आप उनसे बहुत सारी चीजें करवाओगे तो वो भूल जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। सो आपका जो कॉल टू एक्शन का बैलेंस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होना चाहिए, या मैक्स टू मैक्स उसे दो चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपने ये गोल्डीलॉक्स का रूल अपनाया, जहां आप 2 से 3 कॉल टू एक्शन दे सकते हो बट नॉट मोर देन दैट। अब इसी बात पे मेरे इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आगे आने वाली जो टिप है वो आपका होश उड़ा देगी। अब ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर जो हमें हमेशा अपने ऑडियंस को देनी पड़ती है वो है मेरा 5th पॉइंट। जैसे अगर आप एक हेडफोन्स पर प्रोडक्ट रिव्यू दे रहे हो तो उस हेडफोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो, या फिर अगर आप स्टडी रिलेटेड वीडियो बना रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में उस रिसोर्सेस के लिंक डाल दो। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज रिफर कर रहे हो और अगर आप आपके ऑडियंस को उसकी वैल्यू दिखा नहीं रहे हो तो आपकी ऑडियंस आपको सीरियसली नहीं लेगी। सो इवन इफ आप कोई बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हो लेकिन आपको एक्स्ट्रा फैक्टर या वो एक्स्ट्रा चीजें आपके डिस्क्रिप्शन या बेस्ट प्लेसेस पे ऐड नहीं करते हो तो आपकी ऑडियंस को ऐसा लगेगा अरे ये तो बस हवा में बात कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे आप अपना खाना पसंद करते हो जो एकदम आपके स्वाद का हो, बैलेंस्ड हो, वैसे ही व्यूअर आपके कंटेंट को पसंद करेगा जब वो बैलेंस्ड हो। हर कोई अपना कंटेंट एडिक्टिव बनाना चाहता है और टिप्स बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन हमें अपनी ऑडियंस का स्वीट स्पॉट ढूंढना है। और देखिए कैसे आपका कॉन्टेंट आपकी ऑडियंस के लिए फास्ट फूड बन जाता है। जाते हुए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, लेकिन कमेंट्स में ये भी जरूर बताइए कि मैंने नेक्स्ट वीडियो कौन सी चीज पे बनाना चाहिए। तब तक के लिए चलती हूँ, अलविदा।